सुप्रभात हिमाचल। तो मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूँ आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। सोलन की इनाम मंडी देश भर में रही अव्वल, मिलेगी 10 लाख की प्रोत्साहन राशि। सोलन स्थित इनाम मंडी बेहतरीन कार्य करने के लिए देश भर की मंडियों में अव्वल रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 के लिए सोलन मंडी का बेहतरीन व्यवस्था के लिए चयन किया है। वहीं यह पुरस्कार सिविल सर्विस दिवस पर 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया जाना है। पुरस्कार स्वरूप मंडी को 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। सोलन मंडी ने वर्ष 2019-20 में 91,928 क्विंटल उत्पाद की बिक्री की और कुल 44,89,47,500 रुपये का कारोबार किया। नशे में हुड़दंग मचाने वाला एचआरटीसी का परिचालक निलंबित। शराब के नशे में धुत होकर एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के रेस्ट रूम में हुड़दंग मचाने वाला एक परिचालक को निगम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। यह परिचालक 11 अप्रैल की आधी रात को रेस्ट रूम में अन्य परिचालकों को तंग कर रहा था, जिस पर परिचालकों ने निगम प्रबंधन से परिचालक की शिकायत की थी। वहीं शिकायत के बाद डीएम हमीरपुर ने आधी रात को ही ट्रैफिक मैनेजर को मामले की जांच के लिए मौके पर भेजा, जिसके बाद जब ट्रैफिक मैनेजर मौके पर पहुंचे तो परिचालक को नशे में धुत पाया गया। नोटिस के विरोध में बिजली बोर्ड प्रबंधन के व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ेंगे पावर इंजीनियर। पावर इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर और महासचिव तनुज गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल न देने पर बोर्ड प्रबंधन ने 4 अधीक्षण अभियंताओं, 7 अधिशासी अभियंताओं और 23 सहायक अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इस मामले को लेकर बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज ढडवाल से कई बार बात करने के प्रयास किए गए, लेकिन वो एसोसिएशन की बात सुनने को तैयार नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में सुस्ती पर नाराज दिखे सीएम जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में विकास कार्यों में सुस्ती के चलते अधिकारियों से नाराज दिखे। सीएम ने पिछले कल शिमला में सराज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। अध्यक्षता कर अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समयबद्ध पूर्ण करने और विभिन्न निर्माण कार्यों में वन मंजूरियों से संबंधित प्रक्रिया तय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। विनियामक आयोग 3 निजी नर्सिंग संस्थानों और 1 सरकारी अस्पताल पर चलेगा केस। हिमाचल प्रदेश के 3 निजी नर्सिंग संस्थानों सहित 1 सरकारी अस्पताल पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में केस चलेगा। इन संस्थानों पर मान्यता प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से अस्पतालों से संबद्धता लेने का आरोप है। सरकारी अस्पताल पर भी बिना जांच परख के कई नर्सिंग संस्थानों को खुद से जुड़े होने का प्रमाण पत्र देने का आरोप है। अब इन नर्सिंग संस्थानों के साथ सरकारी अस्पताल के खिलाफ आयोग की अदालत में सुनवाई की जाएगी। आरोप है कि प्रदेश में 20 से 40 बिस्तरों के अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जुड़े संस्थानों को भी एनओसी जारी हुई है। बिलासपुर में बना पहला हाईटेक शहीद स्मारक, पट्टिकाओं पर 147 शहीदों का इतिहास अंकित। बाखड़ा विस्थापितों के शहर बिलासपुर में एक इंट शहीद के नाम अभियान के तहत जन सहयोग से हिमाचल प्रदेश का पहला भव्य हाईटेक शहीद स्मारक बनकर तैयार हो गया है। इसका शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के कर कमलों से करवाया गया। लगभग 40 लाख रुपए से ज़्यादा लागत से नव निर्मित इस भव्य स्मारक की खासियत यह है कि इसमें तैयार गौरव संग्रहालय 147 शहीदों का इतिहास और लाइट एंड साउंड सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के साथ लैस है। शिक्षा मंत्री बोले, दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएं देने की चुनौतियां स्वीकार करें शिक्षक। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भावी शिक्षकों को हिमाचल के दूरदराज क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जैसे क्षेत्रों में सेवाएं देने की चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने के अगले दिन से ही बहुत से शिक्षक घर के नज़दीक स्टेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, ऐसे हालात को तो हर किसी को सामना करना पड़ता है, इस मानसिकता को छोड़ना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मशाला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षु अध्यापकों के अंतर जिला खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत में सेवारत लोगों में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबड्डी में सिरमौरी ही सिरमौर है। बेहतरीन खेल दिखाते हुए कबड्डी में लड़कों और लड़कियों दोनों टीमों ने प्रथम स्थान पाया। इसे देखकर लगा कि ग्रेट खली ठीक ही जगह से आए हैं। आयकर चुकाने वाले बुजुर्गों को नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, संशोधित अधिसूचना जारी। आयकर चुकाने वाले बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से वृद्धावस्था पेंशन में 1,000 रुपये देने का सरकार ने फैसला लिया है। वहीं पिछले कल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस बजट घोषणा की संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता नियम 2010 के पात्रता नियम 6 के तहत उपनियम 5 लागू कर दिया है। सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपति भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के लिए हकदार नहीं होंगे। 10 से कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में भर्ती नहीं होंगे मल्टीटास्क वर्कर। हिमाचल प्रदेश में 10 से कम बच्चों की संख्या वाले सरकारी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नहीं किए जाएंगे। 8,000 पदों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश में पिछले कल आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए कम से कम 5वीं कक्षा पास होना जरूरी रहेगा। पंचायत सचिव से स्कूल से घर की दूरी का प्रमाण पत्र लाना भी अनिवार्य किया गया है। वहीं SDM की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी मल्टीटास्क वर्करों का चयन करेगी। स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। 9,700 मेधावियों को मिलेंगे लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में 10वीं और 12वीं के 8,800 और कॉलेजों के 900 मेधावियों को विभाग लैपटॉप देने की तैयारी में है। विभाग ने वेबसाइट पर छात्रों की सूची डाल दी है और इसके साथ ही छात्रों के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। शिक्षा विभाग 15 अप्रैल के बाद छात्रों को लैपटॉप देने की तैयारी में है। लैपटॉप देने से पहले छात्रों का डाटा वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं गौर है कि बीते 2 वर्षों से लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया कई कारणों से स्थगित होती आ रही है। अब निदेशालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को इसका जिम्मा दिया है। जल्द ही स्कूलों को इसकी सप्लाई दी जाएगी और छात्रों को लैपटॉप वितरित करने से पहले उन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी जल्द से जल्द छात्रों को लैपटॉप देने की बात कही थी। लोक निर्माण विभाग में 10 अंकों से बनेगी मैरिट। लोक निर्माण विभाग में 5,000 पदों की भर्ती नीति अब सार्वजनिक हो गई है। विभाग में भर्ती 10 अंकों की होगी और मेरिट के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक 5 अंक 8वीं कक्षा के लिए तय किए गए हैं। 8वीं में हासिल कुल अंकों को 0.050 से गुणा किया जाएगा और इसके बाद जो भी अंक सामने आएंगे उन्हें मेरिट में जोड़ा जाएगा। इस गुणा के आधार पर 50% अंक लेने वालों को 2.5 अंक इस भर्ती में मिलेंगे। इसके साथ ही SC ST और OBC से जुड़े आवेदकों को 1 अंक मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का ऐलान कर सकते हैं CM। हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बड़े ऐलान कर सकते हैं। CM जयराम ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जहां पॉलिसी की घोषणा कर सकते हैं, वहीं संशोधित वेतनमान का कर्मचारियों को एरियर देने का भी ऐलान कर सकते हैं। चुनावी साल में CM ये दोनों ही बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस बार हिमाचल दिवस समारोह चंबा के चौगान मैदान में मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि रहेंगे। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।